दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पांच ऐसे स्मार्टफोन्स जो आपको मिलते हैं 10,000 से 12,000 रुपए वाले प्राइस सेगमेंट में। और अगर आपका भी बजट 10 से 12,000 रुपए के आसपास है, सितंबर 2021 के महीने में आप अपने लिए एक अच्छा बढ़िया और तगड़ा और परफेक्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो ये वाला वीडियो आप ही के लिए भाई, आपके बहुत काम का है। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देख लेना, डेफिनेटली आप डिसाइड कर पाओगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सा फोन सही रहता है। सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, सबके लिए अलग फोन बने होते हैं। पांच फोन बताऊंगा, पांचों फोन तगड़े फोन है, अपनी अपनी जगह पर बढ़िया फोन है। डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन सही रहता है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को, और सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं नॉन चाइनीज ऑप्शन की। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनको चाइनीज ब्रांड्स पर ट्रस्ट नहीं है, इंडियन ब्रांड लेना चाहते हैं, तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 आप परचेस कर सकते हैं। बढ़िया फोन है, अच्छा फोन है, प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, प्लास्टिक का बैक है, प्लास्टिक का फ्रेम है, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है। 6.67 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है, आईपीएस एलसीडी पैनल दिया गया है, सेंटर पंचोल वाला आपको डिस्प्ले मिलता है, 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में 120 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी फोन के अंदर आपको अच्छी मिल जाती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मीडियाटेक हीलियो G85 चिपसेट आपको मिलता है, जो कि डे टू डे की परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी देता है, गेमिंग भी आपको अच्छी करा देता है, तो परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की अगर बात करें तो चार कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ है, 48 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा है, 5 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो कैमरा, चार कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं, 16 मेगापिक्सल्स का आपको सेल्फी कैमरा दिया गया है। ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल की अगर बात करें तो अच्छा कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर आपको मिलता है, 5000 एमएएच की बैटरी दी गई है, 18 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 18 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, 3.5 एमएम जैक भी दिया गया है, साथ ही साथ रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, और 4GB प्लस 64GB वाला वेरियंट आपको मिलता है 11,499 रुपए में। तो नॉन चाइनीज फोन आपको लेना है 12,000 के आसपास अगर आपका बजट है, तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। आगे चलते भाई बात करते हैं उन लोगों की जिनको तगड़ी वाली गेमिंग करनी है, बजट है 12,000 के आसपास, तो आप लोग जा सकते हैं इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले नोट 10 की तरफ। इन्फिनिक्स नोट 10 प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है, 6.95 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले मिलता है, सेंटर पंचोल के साथ में आता है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन दिया गया है, आईपीएस एलसीडी पैनल मिलता है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है लेकिन 180 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको अच्छी दी गई है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मीडियाटेक हीलियो G85 चिपसेट यहां पर भी आपको मिलता है, जो कि जैसा मैंने आपको बताया डे टू डे की परफॉर्मेंस भी अच्छी देता है, गेमिंग भी आपको अच्छी करा देता है, कोई शिकायत यहां पर आपको नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो तीन कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है, 48 मेगापिक्सल्स प्राइमरी कैमरा है, 2-2 मेगापिक्सल्स के दो छोटू यहां पर दिए गए हैं, यूजलेस कैमरास हैं, 48 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा मिलता है। फ्रंट में अगर बात करें तो 16 मेगापिक्सल्स का यहां पर आपको सेल्फी कैमरा दिया गया है, कैमरा मॉड्यूल यहां पर आपको डिसेंट मिलता है, 5000 एमएएच की बैटरी दी गई है, 18 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 18 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है, 3.5 एमएम जैक भी यहां पर आपको मिलता है, उसी के साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल जाता है, और 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 10,999 रुपए में। तो अगर आपको अच्छी गेमिंग करनी है, 12,000 के अंदर आपका बजट है, तो इन्फिनिक्स नोट 10 की तरफ आप डेफिनेटली देख सकते हो। आगे चलते भाई बात करते हैं उन्हीं लोगों की जिनको अपने फोन में एड्स पसंद नहीं है, ब्लोटवेयर्स पसंद नहीं है, जिनको यूआई पसंद नहीं है भाई, जिनको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस चाहिए पर कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी चाहिए, तो वो लोग जा सकते हैं मोटोरोला की तरफ से आने वाले मोटो G30 की तरफ। बढ़िया फोन है भाई, प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है, 6.51 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है, आईपीएस एलसीडी पैनल दिया गया है लेकिन 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 120 हर्ट्ज का या 180 हर्ट्ज का शायद टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, सो डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको डिसेंट मिल जाती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट दिया गया है, जो कि डे टू डे की परफॉर्मेंस अच्छी देगा, गेमिंग भी आपको डिसेंट करा देता है, परफॉर्मेंस में भी आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो कैमरा सेटअप यहां पर आपको काफी अच्छा मिलता है, 64 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल्स अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो कैमरा, चार कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं, फ्रंट में आपको
13 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है। ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल काफी अच्छा मिलता है। अगर कैमरा ओरिएंटेड फोन अगर आपको लेना है तो भी यही फोन की तरफ जाना है भाई, बढ़िया कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको मिलता है। बैटरी की अगर बात करें तो 5000 एमएएच की बैटरी दी गई है। 20 वॉट की चार्जिंग फोन सपोर्ट करता है। 20 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। सो बैटरी मॉड्यूल भी यहाँ पर आपको अच्छा मिल जाता है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है। 3.5 mm जैक मिलता है। एंड रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 10,999 रुपए में। तो अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड लवर हो या फिर कैमरा लवर हो तो मोटो G30 की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। आगे चलते भाई, बात करते हैं उन लोगों की जिनको बड़ी बैटरी चाहिए, जिनको बड़ा डिस्प्ले चाहिए, वो लोग जा सकते हैं टेक्नो की तरफ से रिसेंटली लॉन्च किए गए टेक्नो पोवा 2 की तरफ। प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है। 6.9 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है। फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है। IPS LCD पैनल दिया गया है। साथ ही साथ 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है और 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। सेंटर पंचोल के साथ में आपको डिस्प्ले मिलता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी इस फोन के अंदर आपको काफी अच्छी मिलती है, काफी बड़ा डिस्प्ले दिया गया है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको मीडियाटेक हीलियो G85 चिपसेट मिलता है, जो कि डे टू डे की परफॉर्मेंस अच्छी देता है, गेमिंग भी आपको अच्छी करा देता है। कैमराज की अगर बात करें तो 4 कैमराज पीछे की तरफ दिए गए हैं, लेकिन 3 तो यूजलेस है, उसमें से चौथा कैमरा है 48 मेगापिक्सल्स का। 4 कैमराज पीछे की तरफ आपको मिलते हैं। फ्रंट में अगर बात करें तो 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है। सो ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो डिसेंट सा कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर आपको मिल जाता है। बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी नहीं है भाई यहाँ पे, हाँ बैटरा यहाँ पर आपको मिलता है, वो भी काफी बड़ा बैटरा भाई। 7000 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको दी गई है, जो कि 18 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 18 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है। 3.5 mm जैक भी मिलता है एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहां पर आपको मिलता है। एंड ओवरऑल अगर पैकेज की बात करें तो बैटरी अच्छी मिलती है, डिस्प्ले अच्छा मिलता है, बाकी सारी चीजें आपको यहां पर डिसेंट मिलती है। एंड 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है 10,999 रुपए में। तो अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए, तो टेक्नो पोवा 2 की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। एंड लास्ट में बात करते हैं हमेशा की तरह एक ओवरऑल ऑलराउंडर फोन के बारे में। ये वाला जो फोन है 12,000 के अंदर आपको नहीं मिल पाएगा, 12,500 रुपए में मिलता है, लेकिन 500 रुपए ऊपर दे करके इन सारी चीजों का मिक्सचर आपको मिल सकता है, जहां पर आपको सारी चीजें अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया मिल जाती है। फोन का नाम है Redmi 10 Prime। इस फोन का जो डिटेल्ड रिव्यू है आज ही सुबह में मैंने डाला है, अगर आपने नहीं देखा है ऊपर आई बटन में लिंक है, जाकर के जरूर से चेकआउट करना। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में बचा ही कितना है भाई, छोटा सा वीडियो बचा हुआ, पूरा देख लो उसके बाद में जाकर के चेकआउट करना। Redmi 10 Prime के बारे में अगर बात करें तो प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है। डिसेंट बिल्ड क्वालिटी है। 6.5 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलता है। फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन है। IPS LCD पैनल दिया गया है। सेंटर पंचोल के साथ में आता है। 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट यहाँ पर आपको दिया गया है। एंड यहाँ पर 90Hz का अडैप्टिव सिंक वाला रिफ्रेश रेट आपको देखने के लिए मिलता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको डिसेंट मिल जाती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मीडियाटेक हीलियो G88 चिपसेट यहाँ पर आपको मिलता है, जो कि बढ़िया गेमिंग आपको करा देता है, कोई शिकायत नहीं आती है। डे टू डे की परफॉर्मेंस भी बढ़िया निकल जाती है भाई, तो परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। कैमराज की अगर बात करें तो 4 कैमराज का सेटअप पीछे की तरफ है। 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा है। 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो कैमरा। 4 कैमरास पीछे की तरफ है। फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल भी यहाँ पर आपको डिसेंट मिल जाता है। 6000 mAh का बैटरा यहाँ पर आपको दिया गया है। चार्ज करने के लिए 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। 18 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है, 22.5 वॉट का मिलता है। सो यस, बैटरी मॉड्यूल यहाँ पर आपको काफी अच्छा मिल जाता है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है। 3.5 mm जैक मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। एंड 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 12,499 रुपए में। लेकिन अगर आप HDFC के कार्ड पे परचेस करते हैं तो इस फोन को अभी भी आप 12,000 के अंदर में परचेस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तगड़ा फोन है भाई। 12,000 के अगर आसपास आपका बजट है, स्ट्रिक्टली 12,000 के आसपास ही है, तो भी इस फोन की तरफ आप देख सकते हो। HDFC के कार्ड पर आपको मिल जाएगा। अच्छा फोन है भाई। ओवरऑल ऑलराउंडर फोन अगर आपको लेना है तो Redmi 10 Prime की तरफ आप डेफिनेटली देख सकते हो। तो भाई ये थे 5 ऐसे स्मार्टफोन जो आपको मिल जाते हैं 10,000 से 12,000 रुपए वाले प्राइस सेगमेंट में, और सितंबर 2021 के महीने में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। मैंने मेरी तरफ से 5 स्मार्टफोन बता दिया, अब आपकी तरफ से बताना भाई कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, एंड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पांचों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लेना पसंद करेंगे, या फिर इनके अलावा किसी और स्मार्टफोन को खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से मेरे को बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।